रांची नगर निगम चुनाव में मेयर का पद एसटी से एससी के लिए आरक्षित करने पर भड़का आदिवासी समाज। राजधानी में धरना प्रदर्शन इसको लेकर शुरू हो गया है। वहीं आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की अध्यक्षता में राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में बैठे अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासियों का हक छीनने का यह सरकार काम कर रही है। आज हम लोग आदिवासी का जो अधिकार है वो हनन हो रहा है, लूट खसोट मचा हुआ है, इसी को लेकर आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो रांची नगर निगम में महापौर के पद पर जो एसटी से हटा कर एससी कर दिया गया है, उसके विरोध में राजभवन के समक्ष हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्योंकि रांची क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है और पांचवी अनुसूची लागू है। अब पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है कि आदिवासियों को हक और अधिकार के प्रति जो सुरक्षित किया गया है, ऐसे स्थान को पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची कहा जाता है। और पांचवी अनुसूची में जो अधिकार मिलता है वो आदिवासियों का अधिकार रहता है। आदिवासी ही रोजगार व्यवसाय कर सकता है, आदिवासी को नौकरी पेशा करने का भी अधिकार रहता है और अपने हिसाब से कानून बनाने का भी काम रहता है। लेकिन आज सरकार जो है पांचवी अनुसूची को जो है अक्षरंश नहीं लागू कर सका है, जिसके कारण चुनावें हो रही है। और जब चुनावें हो रही है तो यहाँ जो है जो मेयर का पद है उसको हटाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि या तो इसमें जो चुनाव है वो तो असंवैधानिक है, या तो चुनाव ही मत कीजिए, और चुनाव अगर कराना भी चाह रहे हैं तो उसको आदिवासियों के लिए उनका जो अधिकार है उसको दीजिए, उनका जो हक है उनको दीजिए। और नहीं तो फिर ऐसे में हर समय आदिवासियों के साथ में धोखेबाजी होगा तो फिर आदिवासी तो मिट जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग अपने अधिकार को लेकर के आज हम लोग राज्यपाल के समक्ष एक दिवसीय धरना किए हैं। नहीं होगी तो हम लोग झारखंड बंद करेंगे, सड़क जाम करेंगे और मानव श्रृंखला करेंगे और जो है हीट से हीट बजा देंगे सरकार को, और फिर से आदिवासी का जो सीट है उसको बहाल करने पर मजबूर कर देंगे। केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें जिस तरह से नोटिस आया है और जिस तरह से खबर आ रहा है कि जो नगर निगम का चुनाव है उस चुनाव में मेयर पद का जो सीट रहता है, जो पद रहता है एसटी सीट अब तक होते आया है, इसको एसी कर दिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे साजिश के तहत एसटी सीट को हटाया जा रहा है। कल के डेट में आज एसी कर दिया, कल के डेट में ओबीसी कर देगा। तो ये पांचवी अनुसूची जो होता है ना, शेड्यूल एरिया, इस शेड्यूल एरिया जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र है इसका उल्लंघन होता है। पेशा एक्ट में भी आप देखिएगा कि अगर इनका जनप्रतिनिधि बनता है या आप गांव का प्रमुख भी बनाते हैं, ये तो नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर का व्यवस्था है, ये क्या है? नगर निगम एक व्यवस्था है यहाँ का, किस तरह से नगर के लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराया जाए, तो ये नगर पंचायत है, किस तरह से गांव पंचायत है। तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो सरकार ने, क्योंकि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और इस राज्य में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस झारखंड राज्य को लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका सेवा हो, उन वो नौकरी चाकरी में जाए, उनका पद आरक्षित रहे। और ये सरकार जब जेएमएम का सरकार है, खुद आदिवासी सरकार है और आदिवासी को लात मारने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप भले ही आदिवासी सरकार हैं लेकिन आपको चलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप आदिवासी के विरोध करेंगे, आदिवासी का हक और अधिकार को छीनने का काम करेंगे, तो आदिवासी समाज किसी को छीनता नहीं है, जो छेड़ता है उसको आदिवासी समाज छोड़ता नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।